ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। ठुमकी चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया। तीर्थों की तीर्थ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, सदियों के पुण्यों का परिणाम भगवान श्री राम का धाम अयोध्या, पावन सरयू नदी के किनारे बसा ये धाम अयोध्या, आज इसकी विकास यात्रा पर आपको लेकर के चलूंगी। नमस्कार, मैं अनामिका जैन अंबर स्वागत करती हूं आप सभी का मेरा उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश में। तो मन की श्रद्धा मंदिर में ढलने वाली है और अयोध्या की विकास यात्रा मेरे साथ करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। कहे वेद कहे रामा कहे वेद रहिए, सीतारामा सीतारामा कहिए। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों ही राम राज्य की स्थापना करने में जुट गए हैं और इसी का परिणाम है ये मंदिर, क्योंकि सात सिया के सिंहासन पर अंबर तनकर बैठेंगे, अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सनकर बैठेंगे, खत्म हुआ वनवास दोबारा बाहर आकर तंबू से राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान श्री राम बाल रूप में सिंहासन पर स्थापित हो जाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है। 161 फीट ऊंचे मंदिर में 3 फ्लोर होंगे और हर फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट की होगी। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर नृत्य मंडप, रंग मंडप और गुड़ मंडप देखने को मिलेगा। मंदिर परिसर में सूर्य देवता, विष्णु मंदिर और पंचदेव मंदिर भी बन रहे हैं। नागर शैली में बन रहे इस मंदिर में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्राचीनतम धरोहर को सहेजने के लिए यहाँ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इस पत्थर को आइए उस श्रद्धा से भी एक बार जोड़ते हैं, जब पुल बन रहा होगा तो किस प्रकार से इन पत्थरों ने प्रेम की निशानी को जीवित रखा होगा। श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 प्रतिमाओं का निर्माण करवाया है, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा का 128 देशों से जल मंगाकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक कराकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसके बाद जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है, वहाँ कहीं ना कहीं मन की श्रद्धा मंदिर में ढलने वाली है और ये अयोध्या एक विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। आज के भारत का मिजाज यहाँ अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा। भगवान श्री राम का मंदिर रिकॉर्ड समय में पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की संकल्प शक्ति, साथ ही सभी प्रांतों की मिट्टी और 128 देशों के जल की कामना ने इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया है। और 5 अगस्त 2020 को लिए गए संकल्प के साथ किए गए शिलान्यास का आज ये परिणाम है कि अब ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर श्रद्धालुओं के लिए अपने हृदय खोलने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। अयोध्या नगर अब धाम में बदल चुका है। केवल श्री राम मंदिर ही नहीं,
बल्कि आसपास के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, काले नाथ मंदिर और मणि पर्वत सहित और भी जितने मंदिर हैं, श्रद्धा को सहेजने के लिए, आस्था को बढ़ावा देने के लिए इन मंदिरों का भी नवनिर्माण किया जा रहा है, इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक मंदिर को सहेजने के लिए बाकी सभी मंदिर अपने आप में भव्य हो जाएं, तो ये अनूठा ही प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम मंदिर और उसके साथ सभी मंदिर अर्थात पूरी अयोध्या जो एक रंग में रंगी जा रही है, जो अपने आप में अनूठी होने जा रही है, जिसकी भव्यता का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए कहूँगी कि रीत न जाए बातों बातों में जीवन का ये दरिया, आओ डूबे प्रभु के रंग में तन मन कर ले केसरिया।